क्वेश्चंस देखें। इन हाउ मेनी इयर्स असम विल बी ट्रिपल एट द रेट ऑफ 7% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली एंड नेक्स्ट एट व्हाट रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट असम विल बी डबल इन 7 years। ये जो सेकेंड क्वेश्चन है लिखा है एट व्हाट रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट, यह भी पॉसिबल था कि इसमें लिखा गया होता एट व्हाट रेट ऑफ इंटरेस्ट, क्योंकि कंपाउंड के केस में मेंशन नहीं होता है, सिंपल के केस में मेंशन होना चाहिए। लेकिन मुझे क्योंकि अभी डिफरेंस आपको बताना था इसीलिए मैंने यहां लिख दिया है। अदरवाइज अगर इंटरेस्ट की कोई इंफॉर्मेशन आपके क्वेश्चन में गिवन नहीं है तो कंपाउंड ही लगाया जाता है, सिंपल के केस में सिंपल मेंशन होता है। तो चलिए वन बाय वन इसे देखते हैं। अच्छा, इससे रिलेटेड सिंपल इंटरेस्ट पर बेस्ड क्वेश्चन आपको इसके पहले के वीडियो में बता दिया गया है, जिसमें आपको ट्रिक बताया गया था। ट्रिक के बेस पर आप सिंपल इंटरेस्ट से रिलेटेड ऐसे किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। रेट दिया जाता है टाइम पीरियड और टाइम पीरियड दिया जाता है रेट की कैलकुलेशन कर सकते हैं। यहां ये दो क्वेश्चन है, देख लें। इन हाउ मेनी इयर्स असम विल बी ट्रिपल एट द रेट ऑफ 7% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली। जैसा कि आपको कंपाउंड इंटरेस्ट के एक्सप्लेनेशन में मैंने पहले ही बता दिया है कि कंपाउंड इंटरेस्ट का कोई भी क्वेश्चन अगर आपको दिया जाता है तो अमाउंट का फॉर्मूला ही पहले लगना चाहिए, इंटरेस्ट की कैलकुलेशन बाद में, हमसे पूछा जाए या ना पूछा जाए। तो अमाउंट का फॉर्मूला हम लगाते हैं a इक्वल टू p 1 प्लस r बाई 100 डेस्ट फॉर m। इन हाउ मेनी इयर्स असम विल बी ट्रिपल। अच्छा, ट्रिपल की मीनिंग क्या होती है? ट्रिपल की मीनिंग यह होती है कि अगर 100 रुपीज आप बैंक में किसी डिपॉजिट कर रहे हैं तो उधर से आपको 300 मिलेगा, अगर आप 1000 डिपॉजिट कर रहे हैं तो आपको 3000 मिले, पी रुपीज डिपॉजिट कर रहे हैं तो 3p मिले, हम पेन डिपॉजिट करते तो 3p मिले, यही तो मीनिंग है इसकी। तो अगर हम इस एग्जांपल में पी रुपीज बैंक में डिपॉजिट करते हैं तो इस क्वेश्चन में दिए गए स्टेटमेंट के अकॉर्डिंगली ये हो जाना चाहिए 3p। 1 प्लस रेट गिवन है 7% डिवाइडेड बाई 100 टाइम पीरियड एन, यह पूछा गया हमसे। पी एक दूसरे से कैंसिल करेंगे तो यहां हमारे पास आ जाएगा 3 इक्वल टू 1.07 रेस्ट पावर 3 रेस्ट पावर एन, यह हमारे पास। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के दो तरीके हैं, दोनों आप देख लें, जो आपको इजी लगे या जो क्वेश्चन की डिमांड हो हमें उसी के अकॉर्डिंगली सॉल्व करना चाहिए। कंप्लीट स्टेटमेंट देखें, सारे स्टेटमेंट्स में सारे डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे। 3 इक्वल टू 1.07 रेस्ट पावर 3, तो पहला मेथड क्या है, 1.07 रेस्ट पावर एन, जिस साइड में ये पावर गिवन है वो एज इट इज आप लिख लें, और उस साइड में जिसमें पावर में कुछ नहीं दिया गया है चेक करें कि वह 1.07 मीनिंग जो दूसरे साइड का पावर है उसके कितने पावर में ये वैल्यू आ रही है। समझे मैं क्या कर रहा हूं? 3 इक्वल टू 1.007 रेस्ट पावर 3 है, तो 1.07 रेस्ट पावर n जिस साइड में पावर होगा एज इट इज लिख लें। अब जिस साइड में पावर नहीं है 3, उसको चेक करें कि 1.07 के कितने पावर में ये 3 बनाता है, चेक करके देखते हैं। अब इसे बनाने का तरीका क्या है, सॉल्व करने का तरीका क्या है, देखें 1.07 इंटू 1.07 इक्वल टू कर लें 2 टाइम्स हो गया। हमें काउंट करना है कि कितने टाइम्स के मल्टीप्लिकेशन पर ये 3 या अप्रॉक्स इक्वल टू 3 आ रहा है, 2 हो चुके हैं। हम अब क्या करेंगे, केवल इक्वल टू का साइन प्रेस करेंगे, तो यह हुआ 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 पर आता है 2.95, 17 पर आता है 3.15। अब 3.15 तो 17 पर आ गया, हमें क्या लेना चाहिए, नियरेस्ट कौन सा है 3 के 2.95, वो है 16 पर, तो हमने यहां लिख लिया 16। और उस केस में जब LHS RHS बेस सेम हो तो पावर्स को इक्वेट करने के बाद हम n इक्वल टू पा जाएंगे 16 इयर्स। लेकिन ये मेथड ईयर्स को अप्रॉक्स में बताता है, मीनिंग डेसिमल पॉइंट पे ये नहीं बताता है। ये हम श्योर हैं कि आंसर तो हमारा 16 और 17 के बीच में आना चाहिए,
लेकिन 16 बताएगा कैलकुलेटर। अब अगर ऑप्शंस कॉन्सेंट्रेट करके सुने और कॉन्सेप्ट क्लियर करें, अब अगर आपके ऑप्शंस इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में ये दिए जाते हैं 15, 16, 19 और D none of these, तो आप 16 को सिलेक्ट कर लें। मीनिंग ये, अगर आपके सारे ऑप्शंस इंटीग्रल में ही हो तब तो कोई कंफ्यूजन ही नहीं, फिर आप इसी को सिलेक्ट कर लेंगे 16 को। कंफ्यूजन तब होती है जब ऑप्शंस न्यूमेरिक वैल्यू के साथ साथ डेसिमल पॉइंट में भी होते हैं, जैसे 15.2 इयर्स, 16.9 इयर्स यहां दे दिया जाए, 16.1 ये नन ऑफ दीज, कंफ्यूजन यहां हो जाती है कि अब हम किसे सेलेक्ट करें, 16.9 भी है 16.1 भी है। तो ऐसे किसी ऑप्शंस के केस में ये स्टेटमेंट, ये ट्रिक फेल कर जाता है। अगर इंटीग्रल होंगे, एक बार फिर समझें, इंटीग्रल होंगे फिर तो कोई कंफ्यूजन ही नहीं है, डायरेक्ट यूज कर लें। अगर इंटीग्रल नहीं होंगे, डेसिमल पॉइंट्स में एक से अधिक ऑप्शंस हैं उसी से मिलते जुलते, तो ये स्टेटमेंट काम नहीं करेगा, तब कैसे सॉल्व करते हैं देखें। अच्छा, एक स्टेटमेंट और भी क्लियर कर दूं, अगर आपके इस क्वेश्चन में ये 19.1 हो जाता, अब भी कोई कंफ्यूजन नहीं है, 16.9 को सिलेक्ट कर ले, हो गया आंसर, क्योंकि अप्रॉक्स 16 समथिंग तो आ रहा है, 17 से कम और 16 से अधिक तो ये मैच हो जाएगा, ठीक है। लेकिन फिर भी आप एग्जैक्ट वैल्यू अगर जानना चाहते हैं कि नन ऑफ दीज तो नहीं है या 16.9 सही है क्या नहीं है, उस केस में इसे कैलकुलेट करने के लिए ये स्टेप जरा देखें। टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, एग्जैक्ट आंसर फाइंड करने के लिए आपको बोथ साइड्स लॉग लेना होगा। अब टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स में लॉग 3 इक्वल टू लॉग 1.07 रेस्ट पावर एन, लॉग 3 इक्वल टू एन को आप फ्रंट पर लाएंगे, एन लॉग 1.07 एंड एन इक्वल टू लॉग 3 डिवाइडेड बाई लॉग 1.07। अब हमें क्या चाहिए, लॉग 3 की भी वैल्यू चाहिए और लॉग 1.07 की भी वैल्यू चाहिए। कैलकुलेटर से कैसे निकालते हैं, क्योंकि साइंटिफिक कैलकुलेटर आपके एग्जाम में अलाउड नहीं है, अब हमें इसी कैलकुलेटर से लॉग की वैल्यू निकाल लेनी है जिससे हम ऐसे किसी क्वेश्चन का एग्जैक्ट आंसर पा सकें। तो अब जरा देखें लॉग की वैल्यू हम निकालते कैसे हैं, आपको दोनों लॉग 3 की भी वैल्यू और लॉग 1.07 की भी वैल्यू मैं बताऊंगा, समझना आसान हो जाएगा। लॉग 3 की वैल्यू हमें चाहिए, आप पहले 3 को प्रेस कर दें, जब भी आप ये वीडियो देखें तो आप साथ साथ वीडियो की स्पीड स्लो करके आप साथ साथ कैलकुलेटर पर भी वही स्टेप्स फॉलो करेंगे जो मैं आपको बता रहा हूं। सबसे पहले क्या करेंगे, 3 प्रेस करें, इसका 19 टाइम्स रूट ले लें, 19 टाइम्स ही लेना है, क्वेश्चन कोई भी हो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, माइनस 1 इंटू 227675, 227675 इक्वल टू प्रेस कर दें, 0.4770 ये वैल्यू है लॉग 3 की, तो आप लिखेंगे 0.4770, 4770 के बाद 7 है, अगर आप चाहें तो 4771 भी कर सकते हैं, कोई गलती नहीं है, आंसर उतना ही मिलेगा। स्टेप्स एक बार फिर सीखें, किसकी वैल्यू आपको चाहिए, लॉग 1.07, तो 1.07 को आप पहले प्रेस कर देंगे, इसका 19 टाइम्स रूट लेने, 19 ही लेना है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, माइनus 1 into 227675 equals to, यह आया 0.0293। अब आप इन दोनों को डिवाइड कर दें, तो डिवाइड करने पर क्या आता है, 0.4770 डिवाइडेड बाई 0.0293, आंसर आपको मिला 16.27 इयर्स। ये 100% सही है, इसमें कोई भी एरर नहीं है, 16.27
हम ये श्योर थे कि 16 और 17 के बीच में कुछ आता है, लेकिन हमें यह पता नहीं था कि एग्जैक्ट वैल्यू क्या है। लेकिन 16.27 हम 100% श्योर है, इसमें कहीं भी एरर नहीं है, यह आपका आंसर। तो पैटर्न आप कौन सा यूज करेंगे, लॉग टेबल वाला पैटर्न यूज करेंगे या जो अभी मैंने कैलकुलेटर पर पावर निकालने के लिए कहा, यह क्वेश्चन में गिवन ऑप्शंस के ऊपर डिपेंड करता है। अगर ऑप्शंस में केवल इंटीग्रल ही है, मीनिंग नेचुरल नंबर्स के फॉर्म में है, डेसिमल पॉइंट पे इंफॉर्मेशन नहीं है, तो आप डायरेक्ट पावर की वैल्यू को कैलकुलेट कर दें, और अगर डेसिमल पॉइंट्स में है तो आप लॉग की वैल्यू के बेस पर इसकी कैलकुलेशन करें। अब लॉग की वैल्यू को निकालने के लिए एक स्टेटमेंट मैं आपको बता रहा हूं, जिससे आप लॉग की ऐसे किसी भी वैल्यू को निकाल सकते हैं, फॉर एनी लॉग, फॉर एनी लॉग, लॉग की किसी भी वैल्यू को निकालने के लिए एक एक स्टेप एक एक वैल्यू में बता रहा हूं। रूट आप टेस्ट करेंगे 19 टाइम्स, ये एक स्टेप है। दूसरा स्टेप एक एक ब्रैकेट एक एक स्टेप है। दूसरे स्टेप में आप करेंगे -1, तीसरे स्टेप में करेंगे इनटू 227675 इक्वल टू, करते ही आपका आंसर मिल जाएगा। लॉग के किसी भी वैल्यू को आप इससे निकाल सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। एट व्हाट रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट अ सम विल बी डबल इन 7 years। मैंने आपको पहले भी बता रखा है कि कंपाउंड इंटरेस्ट से रिलेटेड आपको अगर कोई भी क्वेश्चन दिया जाए, फॉर्मूला आप अमाउंट का ही लगाएंगे, तो a इक्वल्स टू p1 प्लस r/100 डेस्ट पर n। अगर p रुपीज आप प्रिंसिपल इन्वेस्टमेंट करते हैं और डबल है, डबल की मीनिंग क्या है, जितना आपने डिपॉजिट किया उतना ऐड करके और आपको मिल जाए। 100 रुपीज आपने डिपॉजिट किया, 100 और ऐड करके 200 आपको मिल जाए। पी रूपीज आपने डिपॉजिट किया, तो पी रूपीज में पी रूपीज और ऐड करके 2p आपको मिल जाए, यही तो मीनिंग होती है। तो अगर आप पी रूपीज डिपॉजिट करते हैं तो अमाउंट तो 2p होना चाहिए। 1 प्लस r की वैल्यू गिवन नहीं है, टाइम पीरियड की वैल्यू गिवन है 7, p एक दूसरे से कैंसिल करने के बाद 7 जो RHS में पावर है, अगर आप उसे LHS में ले आए तो यह हो जाएगा 2^1/7, क्योंकि इंडाइसेस की प्रॉपर्टी में LHS से RHS से RHS से LHS में पावर ले जाने पर उसका रेसिप्रोकल होता है, इक्वल टू 1 प्लस r/100। अब कंफ्यूजन यह है कि 2 का 7th रूट हम कैसे निकालें, क्योंकि कैलकुलेटर तो केवल स्क्वायर रूट बताता है, ये सिंपल कैलकुलेटर, ये स्क्वायर रूट केवल बताता है। साइंटिफिक कैलकुलेटर कोई भी रूट बता देता है, लेकिन साइंटिफिक कैलकुलेटर आपके एग्जाम में अलाउड नहीं है। तो फिर इस कैलकुलेटर से हम 7th रूट कैसे निकालेंगे, एक ट्रिक देख लें। 7th क्यों, आप किसी भी रूट को निकाल सकते हैं। देखें तरीका, सबसे पहले जिस वैल्यू का रूट निकालना है, कोई भी रूट, उस वैल्यू को प्रेस कर दें, मीनिंग 2 का 7th रूट है तो आपको 2 को प्रेस करना पड़ेगा, 2। इसका 12 टाइम्स रूट ले लें, क्वेश्चन कोई भी हो, 12 टाइम्स, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, -1 डिवाइडेड बाई जो रूट फाइंड करना चाहते हैं, 7th रूट फाइंड करना चाहते हैं तो डिवाइडेड बाई 7, +1 इंटू इक्वल टू साइमल्टेनियसली 12 टाइम्स, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, जो स्क्रीन पर फिगर आता वही आपका आंसर है, 1.1040। एक बार फिर समझे मैं क्या कह रहा हूं, इनटू इक्वल्स टू जब आप प्रेस करेंगे, जैसे देखें अभी मैं इसको दोबारा बता रहा हूं, अब ये एक हुआ, इनटू इक्वल्स टू 2 हुआ, इनटू इक्वल्स टू जब कंप्लीट करेंगे तो एक बार हुआ। एक बार फिर समझे मैं क्या कह रहा हूं, रूट 2 का हमें 7th रूट निकालना है, तो जिसका रूट निकालना है पहले उसे प्रेस कर देंगे 2 को, इसका 12 टाइम्स रूट लें, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, -1 डिवाइडेड बाई वो रूट, जो रूट आप निकालना चाहते हैं 7th रूट, तो डिवाइडेड बाई 7, +1 इंटू इक्वल टू साइमल्टेनियसली 12 टाइम्स,
1.1040. तो ये आपका आंसर आता है 1.1040 इक्वल्स टू 1 प्लस आर बाई 100। 1 को LHS में ले जाएंगे तो यह हो जाएगा 0.1040 आर बाई 100, और आर इक्वल्स टू हो जाएगा 100 से मल्टीप्लाई करने के बाद 10.40%। यह आपका आंसर है। कोई भी रूट आप जो ट्रिक बताया गया है उससे आप निकाल सकते हैं, लेकिन ये स्टेटमेंट भी भूल जाएंगे, ह्यूमन नेचर है, सभी भूलते हैं। तो एक काम करते हैं, वो ट्रिक लर्न रख लेते हैं, लिख लेते हैं, जिससे हमें जब हम भूलेंगे हम देख लेंगे, लर्न हो जाएगा। फॉर एनी रूट, किसी भी रूट के लिए एक एक ब्रैकेट एक एक स्टेप है, एक एक बिग ब्रैकेट एक एक स्टेप है। सबसे पहला स्टेप, अंडर रूट आप प्रेस करेंगे, कितने टाइम्स प्रेस करेंगे? 12 टाइम्स। ये फर्स्ट ब्रैकेट हुआ आपका। दूसरा ब्रैकेट क्या हुआ? -1। तीसरा ब्रैकेट डिवाइडेड बाय रूट वैल्यू, फोर्थ ब्रैकेट प्लस 1, फोर्थ ब्रैकेट प्लस 1। इसमें आप कंफ्यूज ना करें, इसलिए प्लस 1 थोड़ा सा क्लियर लिख दूं मैं। उसके बाद इनटू इक्वल्स टू, ये करना है 12 टाइम्स, और इसके बाद आपका अगला स्टेप आंसर है। इसके बाद इक्वल्स टू प्रेस नहीं करेंगे, आंसर आपको मिल जाएगा। तो ये तो एक दो क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेंगे, किसी का भी रूट आप निकाल लेंगे, जैसे 27 का क्यूब रूट है, 25 का क्यूब रूट, 125, किसी को भी निकाल कर चेक कर लेंगे, आंसर मैच हो जाएगा, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट टाइप क्वेश्चंस पर चलते हैं। अगर 100 रुपीज कोई एक पर्सन किसी एक बैंक में डिपॉजिट करता है 3 इयर्स के लिए, रेट ऑफ इंटरेस्ट उसे दिया जाता है 10% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली। 100 रुपीज कोई एक पर्सन बैंक में डिपॉजिट करता है 3 इयर्स के लिए, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली। अगर हम इसे कैलकुलेट करना चाहते हैं तो हम फॉर्मूला लगाते हैं, अगर ये एनुअली है तो ए इक्वल्स टू पी 1 प्लस आर बाई 100 डेस्ट पर एन। पी के जगह पर आप लिखते हैं 100, 1 प्लस रेट 10 बाई 100 डेस्ट पर 3, 100, 1.1 डेस्ट पर 3। और अगर हम इसे कैलकुलेट करते हैं 1.1 डेस्ट पर 3, 1.331, और फाइनली हम आंसर पा जाते हैं 133.1। एक्सप्लेनेशन से भी हम इतना ही पाते हैं, समझे। 100 रुपीज कोई एक पर्सन किसी बैंक में डिपॉजिट करता है 3 इयर्स के लिए 10%, इसकी मीनिंग क्या है? इसकी मीनिंग यह है कि 100 रुपीज को कोई एक पर्सन बैंक में डिपॉजिट किया, फर्स्ट ईयर में 100 रुपीज पर 10% का इंटरेस्ट लगा, वह 10 रुपीज आया, 100 रुपीज में एड हो गया। सेकेंड ईयर 110 रुपीज पर इंटरेस्ट कैलकुलेट हुआ, अगेन 10 रुपीज का इंटरेस्ट मिला, ये 121 हो गया, 121 पर थर्ड ईयर इंटरेस्ट कैलकुलेट किया गया। ये मीनिंग है, इसकी मीनिंग एनुअली की बेसिकली मीनिंग यह हुई, अगर हम इस एक्सप्लेनेशन के बेस पर भी देखें, कि एक साल में एक बार इंटरेस्ट कैलकुलेट होता है, या एक बार में इंटरेस्ट कैलकुलेट हो रहा है। अगर हम इस क्वेश्चन के कॉन्टिन्यूटी की बात करें, बैंक जो फाइनेंशियल ईयर मानती है वह 1 अप्रैल to 31 मार्च मानती है। अगर आपने 100 रुपीज अपना बैंक में डिपॉजिट किया तो बैंक पहले फाइनेंशियल ईयर में एक बार इंटरेस्ट कैलकुलेट करके दे देगी, फिर दूसरे फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल to 31 मार्च दूसरी बार इंटरेस्ट कैलकुलेट करके दे देगी, और फिर थर्ड टाइम का इंटरेस्ट तीसरे साल में कैलकुलेट करके दे देगी, और उससे फाइनल आपको आंसर मिल जाएगा 133.1, जो आपको रिटर्न मिलेगा। थोड़ी देर के लिए एज्यूम करें कि अगर बैंक ने कह दिया कि रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको दिया जाएगा सेमी एनुअली, हंड्रेड
₹100 तो आपने डिपॉजिट किया, 3 इयर्स के लिए भी डिपॉजिट किया, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% पर एनम कंपाउंडेड सेमी एनुअली। तो सेमी एनुअली की मीनिंग क्या है? सेमी एनुअली की मीनिंग एवरी 6 मंथ्स में बैंक इंटरेस्ट हमें कैलकुलेट करके देगी, और क्योंकि 1 ईयर में 2 6 मंथ्स होते हैं तो बैंक में 2 बार इंटरेस्ट कैलकुलेट करके देगी। देखें इस एग्जाम्पल से क्लियर करें, ₹100 आपने डिपॉजिट किया 3 इयर्स के लिए, बैंक ने फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर के फर्स्ट 3 6 मंथ्स में आपको इंटरेस्ट कैलकुलेट करके दे दी, फिर जो इंटरेस्ट आया वो प्रिंसिपल में ऐड हुआ और उस पर उसी साल के नेक्स्ट 6 मंथ्स का इंटरेस्ट कैलकुलेट करके आपको मिला। तो 1 साल में बैंक ने कितनी बार इंटरेस्ट कैलकुलेट किया? 2 टाइम्स, क्योंकि 1 ईयर में 2 6 मंथ्स ही तो होते हैं, और अगर ट्रांजेक्शन 3 इयर्स के लिए है तो बैंक 6 टाइम्स इंटरेस्ट कैलकुलेट करेगी, फर्स्ट ईयर में 2 टाइम्स, सेकेंड ईयर में 2 टाइम्स, थर्ड ईयर में 2 टाइम्स, 6 टाइम्स इंटरेस्ट कैलकुलेट करेगी, जो फाइनली बैंक पाएगी वही आपको रिटर्न दे देगी। 6 टाइम्स कैलकुलेशन की बात। अब कौन 6 टाइम्स कैलकुलेशन करने जाए? इसका शॉर्टकट ट्रिक यह है कि 100 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट को आप 2 से डिवाइड कर दें और टाइम पीरियड को आप 2 से मल्टीप्लाई कर दें। 2 से ही क्यों किया? क्योंकि 1 ईयर में 2 6 मंथ्स होते हैं, और 100 1 प्लस ये 2 से इसे कैंसिल करेंगे आ जाएगा 5.05, क्योंकि 5/100 0.05 ही होता है, 600 1.05 रेस्ट पावर 6। अब इसे कैलकुलेट कैसे किया जाए 1.05 रेस्ट पावर 6, समझे इसको भी। 1.05 पहले आपने एक बार लिखा इनटू 1.05, दो बार लिख दिया इक्वल टू, ये 2 टाइम्स का मल्टीप्लिकेशन है, ये 2 टाइम्स का मल्टीप्लिकेशन है, हमें कितने टाइम्स चाहिए? 6 टाइम्स। तो आप करेंगे क्या, इक्वल टू का साइन 2 से आगे 3 से प्रेस करें जब तक 6 नहीं आता, 2 हो चुका है, इक्वल टू का साइन 3 से प्रेस करना शुरू करें, 3 4 5 6 हो गया। स्क्रीन पर जो फिगर है उसमें डेसिमल के 4 प्लेसेस तक का फिगर आप निकाल लें, लर्न रहे टाइम वैल्यू ऑफ इस पूरे चैप्टर में आपको डेसिमल के 4 प्लेसेस तक का फिगर निकालना है, रीजन केवल एक, आपका जो आंसर आएगा वो क्वेश्चन में दिए गए 4 ऑप्शन से मैच हो जाएगा। तो 1.3400 और इसके अकॉर्डिंगली अगर आप इसे आंसर में लिखते हैं तो ₹134 हुआ। चलिए ये तो था सेमी एनुअली के अकॉर्डिंगली, लेकिन अगर आपने ₹100 बैंक में डिपॉजिट किया है 3 इयर्स के लिए, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% पर एनम, बैंक ने कहा कि अब आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल जाता है क्वार्टरली, अब क्या होगा? क्वार्टरली की मीनिंग क्या है? क्वार्टरली की मीनिंग, क्योंकि 1 ईयर में 4 क्वार्टर्स होते हैं तो क्वार्टरली की मीनिंग एवरी 3 मंथ्स में 1 क्वार्टर बनता है। ₹100 आपने 3 इयर्स के लिए बैंक में डिपॉजिट किया, ये रहा पहला साल, बैंक ने फर्स्ट 3 मंथ्स में इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लिया, जो इंटरेस्ट आया प्रिंसिपल में ऐड किया, ये अंडरस्टूड बात है। नेक्स्ट 3 मंथ्स पर फिर इंटरेस्ट कैलकुलेट हुआ, नेक्स्ट 3 मंथ्स पर कैलकुलेट हुआ, नेक्स्ट 3 मंथ्स पर, तो 1 साल में बैंक ने कितनी बार इंटरेस्ट कैलकुलेट किया? 4 टाइम्स। अगर ट्रांजेक्शन 3 इयर्स के लिए है तो बैंक कितनी बार इंटरेस्ट कैलकुलेट करेगी? 12 टाइम्स। अब कौन 12 टाइम्स का एक्सप्लेनेशन करने जाए, मिलेगा एक नंबर, इससे अच्छा यह है इसका शॉर्टकट ट्रिक लगाते हैं। क्या है शॉर्टकट ट्रिक? रेट ऑफ इंटरेस्ट को आप 4 से डिवाइड करें और टाइम को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं। 4 से ही क्यों? क्योंकि 1 ईयर में 4 क्वार्टर्स होते हैं, 100 4 से इसे कैंसिल करेंगे आएगा 2.5, 1.025 रेस्ट पावर 12, 100 1.025 रेस्ट पावर 12, ये हम चेक करते हैं। अब देखें 1.025 इंटू 1.025 इक्वल्स टू, 2 टाइम्स आप कर ले, पहले 2 हो चुका है, हमें चाहिए 12, 2 हो चुका है, 3 से आगे आप कंटिन्यू करेंगे, इक्वल्स टू का साइन प्रेस करना, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 चाहिए। स्क्रीन पर जो फिगर आता है उसमें डेसिमल के 4 प्लेसेस तक का फिगर, और क्योंकि ये फिगर है 1.3448 तो हमें ये लिख देना चाहिए 1.3448,
और 100 से मल्टीप्लाई करने के बाद ये 134.48 हो गए। अज्यूम करें कि अगर आपने 100 रुपीस बैंक में डिपॉजिट किया, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% पर एनम कंपाउंडेड मंथली है और टाइम पीरियड 3 इयर्स है, तो उस केस में आंसर क्या होना चाहिए? मंथली 100 1+ मंथली के केस में 1 ईयर में कितने मंथ्स? 12। तो आप 12 से इसे डिवाइड कर लें और टाइम पीरियड जो दिया गया है उसको 12 से मल्टीप्लाई कर दें, मीनिंग एवरी मंथ बैंक इंटरेस्ट कैलकुलेट करके हमें दे रही है। जो भी आंसर आएगा पैटर्न यही है, पावर कैलकुलेट करना मैंने आपको बता दिया, कैलकुलेट आप कर लेंगे। अगर यही क्वेश्चन मैंने कहा होता कंपाउंडेड डेली, 100 रुपीज आपने डिपॉजिट किया 3 इयर्स के लिए, रेट 10% पर एनम डेली कंपाउंडेड डेली, तब आप क्या करेंगे? भाई 1 ईयर में तो 365 डेज होते हैं ना, तो 365 से आप डिवाइड करें रेट को और 365 से टाइम को मल्टीप्लाई करें, बहुत टेंडी कैलकुलेशन होगी, कैलकुलेट करना इजी नहीं। और अगर मैं कहीं डेली के जगह पर कॉन्टिन्यूअसली वर्ड यूज कर दूं, कॉन्टिन्यूअसली की मीनिंग क्या है? एवरी सेकेंड बैंक इंटरेस्ट दे रही है, इधर घूम गए बैंक ने इंटरेस्ट दे दिया, एक कदम आगे बढ़ाया बैंक ने इंटरेस्ट दे दिया, प्रैक्टिकल लाइफ में पॉसिबल नहीं है, सारे बैंकर्स बैंक छोड़कर भाग जाएंगे, क्योंकि कौन एवरी सेकेंड इंटरेस्ट, इतनी सेविंग अकाउंट्स करंट अकाउंट्स बहुत सारे हैं, एवरी सेकेंड अगर इंटरेस्ट मिलता रहे तो सोचिए कितने बैंकर्स की जरूरत पड़ेगी, बैंकर्स सारे पागल होकर घूमेंगे, पॉसिबल नहीं। क्यों? क्योंकि इतनी ह्यूज वैल्यू होती है, जरा समझे क्यों, क्योंकि हम यहां डिवाइड 12 क्यों कर रहे हैं, क्योंकि 1 ईयर में 12 मंथ्स होते हैं, 1 ईयर में जितने सेकेंड्स होंगे हम उसी से तो डिवाइड करेंगे और उसी से तो मल्टीप्लाई करेंगे कॉन्टिन्यूअसली। अब कौन कैलकुलेट करेगा कि 1 ईयर में कितने सेकेंड्स होते हैं, 1 ईयर में कितने सेकेंड्स, उससे पहले 1 मंथ में कितने सेकेंड्स, उससे पहले 1 डे में कितने सेकेंड्स, उससे पहले 1 आवर में कितने सेकेंड्स, ये इतनी यूज वैल्यू होगी कि लैपटॉप भी फेल कर जाएगा आंसर बताने से। लेकिन आप टेंशन ना लें, डेली और कॉन्टिन्यूअसली आपके सिलेबस में ही नहीं, और अगर हम कॉन्टिन्यूअसली की क्वेश्चन को कैलकुलेट करते तो फॉर्मूला लगता है PE/RT, एक्सपोनेंशियल फॉर्म, क्योंकि कॉन्टिन्यूअसली में इतनी यूज वैल्यू होती है कि इसमें वैल्यू बढ़ जाती है, इसीलिए एक्सपोनेंट्स पावर पे यह कैलकुलेट होता था। लेकिन आपको टेंशन लेने की क्या जरूरत है जब यह सिलेबस में ही नहीं, तो आपको केवल यह 4 मेथड्स मिल सकते हैं इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के लिए, अमाउंट कैलकुलेट करने के लिए, एनुअली, सेमी एनुअली, क्वार्टरली और मंथली, जबकि सिंपल इंटरेस्ट में जो वर्ड्स मिलते हैं वो मिलते हैं ईयर्स, डेज और मंथ्स। ध्यान रहे सिंपल इंटरेस्ट वाले वर्ड्स कंपाउंड इंटरेस्ट में कभी भी यूज नहीं किए जाते और कंपाउंड इंटरेस्ट वाले वर्ड्स सिंपल इंटरेस्ट में कभी भी यूज नहीं किए जाते। अगर मैं सिंपल इंटरेस्ट के किसी क्वेश्चन में कह दूं सेमी एनुअली, कोई मीनिंग ही नहीं है इस वर्ड की। सिंपल इंटरेस्ट में मैं कह दूं क्वार्टरली, कोई मीनिंग ही नहीं है, डायरेक्ट आप सिंपल इंटरेस्ट ईयर्स का कैलकुलेट करें, क्योंकि दोनों वर्ड्स अलग अलग और वह उसी के लिए अप्लाई होंगे। कंपाउंड इंटरेस्ट वाले वर्ड्स केवल कंपाउंड इंटरेस्ट में अप्लाई किए जाएंगे, सिंपल इंटरेस्ट वाले वर्ड्स सिंपल इंटरेस्ट में अप्लाई किए जाएंगे। एक एग्जांपल देख लेते हैं, ये जो आपने कैलकुलेशन किया है उसी के बेस पर। लेकिन उस एग्जांपल को बताने से पहले एक छोटा सा स्टेटमेंट मैं आपको बताऊं, एनुअली में अमाउंट कितना मिला था 3 साल बाद 133.1, सेमी एनुअली में 134 कुछ अधिक मिला, क्वार्टरली में 134.48 कुछ उससे भी अधिक मिला। चलिए इस पर बेस्ट एक एग्जांपल देखें। अज्यूम करें कोई एक पर्सन, ये कोई एक पर्सन है, इसे 100 रुपीज किसी एक बैंक में डिपॉजिट करना था। 100 ध्यान दें मैंने एक इनिशियल फिगर लिया है, आप इसके जगह पर कुछ भी ले सकते हैं, 1 लाख 2 लाख 5 लाख जो आप चाहें लिख लें। 100 रुपीज बैंक में डिपॉजिट करना था 3 इयर्स के लिए, ये किसी ऐसे जगह चला जाता है जहां बहुत सारे बैंक के ब्रांचेस अवेलेबल है, बहुत सारे बैंक अवेलेबल है कह सकते हैं, ठीक। तो अभी ये उस जगह पर पहुंचा ही था तभी इसे एक बैंक का रिप्रेजेंटेटिव आकर मिला और वो था ICICI।
उस बैंक के रिप्रेजेंटेटिव ने कहा कि अगर आप मेरे बैंक में डिपॉजिट कर दें तो मैं आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट दूंगा 8% एनुअली। अभी ये उस बैंक के रिप्रेजेंटेटिव के साथ जा पाता तभी इसे एक दूसरे बैंक का रिप्रेजेंटेटिव आकर मिला, वो था कोटक महिंद्रा। उसने कहा कि जी मेरे बैंक में डिपॉजिट कर दो, मैं आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट दूंगा 7% सेमी एनुअली। अभी ये उन दोनों में से किसी एक को डिसाइड कर पाता तभी एक तीसरे बैंक का रिप्रेजेंटेटिव आया, वो था HDFC। उसने कहा कि जी मेरे बैंक में डिपॉजिट कर दो, मैं तुम्हें रेट ऑफ इंटरेस्ट दे दूंगा 6% क्वार्टरली। ये बाहर खड़ा सोच रहा है किस बैंक में डिपॉजिट किया जाए और क्यों। एक बार फिर क्वेश्चन समझे, एक कोई पर्सन 100 रुपीज से डिपॉजिट करना था किस 3 ईयर्स के लिए किसी ऐसे जगह पहुंच जाता है जहां बहुत सारे बैंक के ब्रांचेस अवेलेबल। अभी ये वहां पहुंचा ही था तभी इसे ICICI बैंक का रिप्रेजेंटेटिव मिला, उसने कहा कि जी मेरे बैंक में डिपॉजिट कर दे, मैं आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट 8% दे दूंगा। दूसरे बैंक के रिप्रेजेंटेटिव ने आकर मिला, वो था कोटक महिंद्रा का, उसने कहा कि जी 7% सेमी एनुअली में दे दूंगा। अभी ये इन दोनों में से किसी एक को डिसाइड कर पाता तभी एक तीसरे बैंक का रिप्रेजेंटेटिव आकर मिला, वो था HDFC। उसने कहा कि जी मेरे बैंक में डिपॉजिट कर दे, मैं 6% क्वार्टरली दे दूंगा। ये बाहर खड़ा सोच रहा है कि किस बैंक में डिपॉजिट करना चाहिए और क्यों। जब भी आप ये वीडियो देखें तो 1 मिनट के लिए इसे पॉज करें और थिंक करें कि किस बैंक में डिपॉजिट करना चाहिए। चलिए कंटिन्यू करते हैं। जब भी कोई भी पर्सन किसी एक बैंक में डिपॉजिट करना चाहता है तो 5 फैक्टर्स होते हैं जिसके बेस पर उसका डिसीजन होता है। 5 ऐसे फैक्टर्स होते हैं जिसके बेस पर उसका डिसीजन होता है। पहला, कुछ कस्टमर्स ऐसे होते हैं जो कहते हैं जी मुझे केवल नेशनलाइज्ड बैंक में ही जाना है, प्राइवेट में जाना ही नहीं है। दूसरे, कुछ ऐसे कस्टमर्स होते हैं कहते हैं कि जी बैंक का इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होना चाहिए, एसी वगैरह लगे हों, गर्मी में पसीने ना टपक रहे हों। ठीक बात है, उनमें होते हैं। थर्ड टाइप, कुछ ऐसे कस्टमर्स होते हैं कहते हैं कि जी बैंक की लोकेशन अच्छी होनी चाहिए, पार्क करने की जगह गाड़ी मिल जाए, जल्दी पहुंच जाए, जल्दी वहां से निकाला है। बिल्कुल ठीक बात है। फोर्थ टाइप के कस्टमर कुछ ऐसे होते हैं कि जो केवल एम्प्लॉयज को ही देखने जाते हैं कि स्मार्ट एम्प्लॉय है, चलो इसी बहाने देखेंगे। फिफ्थ, कुछ ऐसे कस्टमर्स होते हैं जो कहते हैं कि जी मुझे मैक्सिमम रिटर्न चाहिए और कुछ हमसे लेना देना नहीं। बिल्कुल ठीक है, मोर देन 90% कस्टमर्स इस लास्ट ऑप्शन को प्रिफर करते हैं। बहुत सारे फोर्थ को भी करते हैं लेकिन हम इसे इग्नोर करते हैं। अब ये जो लास्ट ऑप्शन है, लास्ट क्या है? मैक्सिमम रिटर्न। लेकिन यहां क्या कंफ्यूजन हो गई कि ICICI बैंक, कोटक महिंद्रा, HDFC तीनों में अलग अलग रेट ऑफ इंटरेस्ट में लिया गया है। तो अब हम क्या करेंगे, एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर तीनों की अलग अलग कैलकुलेशन कर लेते हैं। जिस बैंक से हमें अधिक मिलेगा उसी बैंक में उस पर्सन को डिपॉजिट करना चाहिए, ऐसा हम कर सकते हैं। क्योंकि देखने से तो यही लग रहा है कि HDFC में डिपॉजिट कर देना चाहिए, क्योंकि क्वार्टरली है, देखने से तो यही लग रहा है। लेकिन एग्जैक्ट बताए ना कैलकुलेट करके, तो 5 फैक्टर्स थे, 5ों में से लास्ट ऑप्शन को हमने प्रिफर किया। तो चलिए कैलकुलेट करते हैं जी। ICICI फॉर ICICI अमाउंट पी के जगह पर लिखेंगे 101 प्लस रेट है 8% क्योंकि एनुअली है तो डिवाइडेड बाय केवल 100 ही लिखेंगे। यह हुआ 100 1.08 रेज़ टू पावर 3। कैलकुलेट करने का अप्रोच आप जानते हैं, और अगर हम 1.08 रेज़ टू पावर 3 की कैलकुलेशन करें तो 1.08 या था 1.2597, और अगर आप इसे 100 से मल्टीप्लाई करें तो 125.97, मीनिंग ICICI बैंक से उसे 125.97 मिलेगा अगर वो डिपॉजिट करता है तो 3 ईयर्स के बाद। नेक्स्ट फॉर कोटक महिंद्रा इक्वल्स टू 100 1+7% सेमी एनुअली है तो 2 से आप रेट को डिवाइड करेंगे और टाइम को भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 1 प्लस
2 से 7 को कैंसिल करेंगे 3.5 आएगा, डिवाइडेड बाय 100 है तो 0.035 आया, रेज टू पावर 6, 100, 1.035 रेज टू पावर 6, अब आप इसे कैलकुलेट करेंगे तो 1.2292, कैलकुलेट करने का अप्रोच वही है जो अभी मैंने आपको बताया है थोड़ी देर पहले, पहले दो बार कर लें उसके बाद इक्वल टू का साइन प्रेस करते चले जाएं, तो ये हुआ 122.92। मीनिंग अगर कोटक महिंद्रा में हम डिपॉजिट करते हैं तो 3 साल बाद मिलेगा 122.92, एंड फॉर HDFC इक्वल टू 100, 1+6 क्वार्टरली है, 6/4 × 100 रेज़ टू पावर 3 × 4, 100, 4 से इसे कैंसिल करेंगे तो आता है 1.5 डिवाइडेड बाय 100, 1+0.015 रेज़ टू पावर 12, 100, 1.015 रेज़ टू पावर 12, अगर हम इसे सिंप्लीफाई करें तो 1.015 1.1956, आप इसे एक बार कैलकुलेटर से चेक कर लेंगे तो फाइनली ये हम पाएंगे 1.19156। चेक करें किस बैंक में डिपॉजिट करना चाहिए था, देखने से लगता था HDFC, लेकिन ICICI में ही डिपॉजिट करना चाहिए क्योंकि उसी सेम मैक्सिमम रिटर्न मिलेगा 125.96 9697। हर वो चीज जो देखने में अच्छी होती है अच्छी नहीं होती, कंक्लूजन यही मिला। हम इस क्वेश्चन को एक बार फिर डिस्कस करेंगे और उसमें आपको बताया जाएगा कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का शॉर्टकट ट्रिक क्या है, और उसमें भी हम इसी एग्जांपल को कंसीडर करेंगे और आपको याद भी दिलाया जाएगा कि इसके पहले हम इस एग्जांपल को यूज कर चुके हैं।